नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। टिलाज मालपुरा क्षेत्र के पुतलीघर चौराहा पर कल रात हुई चाकूबाजी। बाप बेटे ने मिलकर युवक पर किया प्राण घातक हमला। हमले में सोहेल नाम का हुआ लड़का घायल। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। वही घायल युवक का आरोप है कि आरोपी द्वारा उनके बहन को छेड़ा गया था। बहन को छेड़ने के विरोध में आवाज उठाने पर आरोपी ने सोहेल पर किया चाकू से जानलेवा हमला। वही एडिशनल एसपी जोन 3 आरएस मिश्रा ने बताया कि कल देर रात लगभग 11:30 बजे यह घटना संज्ञान में आई। पीड़ित ने बताया कि कल फकरुद्दीन मस्जिद के सामने वह अपने चाचा के घर से आ रहा था, तभी सैयद साकिब, सैयद आसिफ, असन और यूसुफ द्वारा हमला किया गया है, जिसमें उसके कान और सर, हाथ और सीने पर चोट आई है। वही राजधानी भोपाल में 7वां मामला है जहां चाकूबाजी की गई है। लगता है कि अब अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा। जिस तरह से आए दिन चाकूबाजी के मामले सामने आ रही है, देखने वाली बात होगी कि अब पुलिस किस तरह अपराधियों पर नकेल कसती है या अपराधी इसी तरह वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। कल देर रात लगभग 11:30 बजे घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें से पीड़ित सोहेल के द्वारा बताया गया कि फखरुद्दीन मस्जिद के सामने वो अपने चाचा के घर से आ रहा था। वहां पर सैयद साकिब, सैयद आसिफ, यूसुफ और अनस, इन चार लोगों ने मिल करके उसके साथ प्राणघातक हमला किया है, जिसमें से उसके सिर में चोट आई हुई है, दाहिने कान में चोट आई हुई है, सीने में चोट आई हुई है, हाथ पर चोट आई हुई है। चोटों के नेचर के मुताबिक अपराध धारा 307/34 का मामला पंजीकृत कर लिया गया है। बाप बेटे एवं एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य के पीछे पार्टी लगी हुई है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विवाद क्या होता है? विवाद जो ये दूर के कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को जानते हैं, संबंधी हैं, और इसमें से जो एक आरोपी है उसके द्वारा पीड़ित पक्ष ने बताया कि उसकी बहन के साथ में छेड़छाड़ जैसी घटना की थी, जिसमें से चूंकि पारिवारिक मसला था तो आपस में समझाइश दी गई थी, और वही कहीं ना कहीं विवाद का कारण माना जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।